ड्रॉप किया है, आइसोलेट कर दिया। चलिए भाई इसको काफी अच्छे तरीके से, गेस वन सेकंड थर्ड एट द फोर्थ थ्रू इट, दैट्स जस्ट अ पिस्टल बाय द वे। इस तो यहां पर डीएम डिनाई कर देंगे, इस राउंड एंड डन येट, और ही वॉक्स इनटू द स्मोक, रुकी मिस्टेक एंड सेम फॉर एनक्यू। ये राउंड स्नोबॉल हो चुका है, पलक झपकते ये जो फ्रैग्स मिले हैं ट्रू रिपर्स के फेवर में, क्या क्या रबल अगले हीरो बन सकते हैं। सीकर से पिट डाउन हो जाएगी, नियर साइटेड विजन रिस्टोर प्लेयर पे फ्रैग, शूट ओपन निकालते हुए एक और पिक, बट हेल्फ कटेड 12 सेकंड रह गए स्पाइक प्लांट करने के लिए। LBY कैन ही गेट द जॉब डन, हेवन वाले प्लेयर को आइसोलेट करा देंगे, आर यू विद दैट फ्रैग, बट बिकॉज ही वाज ब्लाइंड एज एनीथिंग, उनको पता ही नहीं चला कि द प्लेयर्स न्यू ही वाज देयर। LBY दो फाइंड्स एन आंसर बैक, फाइंड द ट्रिपल डिसरप्ट ट्रेन निकालेंगे, लेकिन अब इनको रन डाउन किया जा रहा है। फाइंड द सेकंड स्टक इन द कॉर्नर, टेक्नो का सपोर्ट एंड द डबल कंट्रोलर पावर, लो एचपी ऑन आरयू एंड टच मेकर दोनों, एंड वाइपर को अगर पिक ऑफ कर लिया इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉट ही हाथ में है, नो ही नीड्स टू विन, एंड वही चीज हुई है, ट्रू रिवर्स क्लोज द गेम आउट। बॉल की तरफ कैरमेल गेट्स द पिक, एक प्ले बनाना जरूरी था क्योंकि नंबर्स डिसएडवांटेज थी, अब टच मेकर इज गॉट टू क्लियर दैट लॉन्ग एज वेल, हेल लेफ्ट with the fight, RBK already जीत चुके हैं अपनी fight, Caramel is the one who answers back, but the timing on RU, अरे तोड़ दी गई है, he's pushing forward, timing, 34 HP, RU in such a close range battle, timing का खेल, बहुत कम time, has he bought enough, and yes is the answer, and both these players can stay on side, duel जीतने की बारी है रखने के लिए, double swing, prowler, थोड़ी सी परेशानी देगा, death maker with a top line ले लिया इन्होंने, and connects a shot as well, LBY good for one, the second snap, Insane and finds a third too. ज़्यादा बढ़िया. Skills को एक pick मिल गया deadly 10 के ऊपर. ये बहुत important है. अपने Molly के ऊपर push down किया. Scally finally roster shut down करेंगे. Or to find the lurker and skills with the lail की situation. जिसमें बिभोर backside timing निकालनी है इनको. पता चल गया position. एक flash के पीछे peek किया. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया flash. And अब एक और pick मिल सकता है. Just a classic. कुछ retake is on. Deadly के पास ult है इस time पे. वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, शॉट्स थोड़े दाएं बाएं गए, बट उसके बावजूद ट्रेड बैक एंड पुश बैक करने के लिए सिस्टमैटिकली एंगल्स रीटेक करने पड़ेंगे। डोमिनिक ने मेन का एंगल ले लिया है, लॉक्स क्लियर आउट कर दिया है, उनको पता है प्लेयर साइड पे, लेकिन सेवरीन और स्किल्स अपने इंडिविजुअल ड्यूल जीतने में कामयाब, पैरानोया थोड़ा सा लेट आया था, जैसे 5 HP 70 HP सेवरीन पेन, पैराडॉक्स विद अ 5 HP क्लोजेस थिंग्स आउट, क्योंकि 3K मिला है उनको इस राउंड में। और सेवरीन रॉसी ब्लाइंड एज अ बैड कोई कुछ बड़ा करना पड़ेगा, उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन खात्मा नहीं हो पाएगा। 3 सिचुएशन, हालांकि एक स्कैली के पास एक फैंटम है, पॉप प्ले, पॉप फ्लैश प्ले बनाने की कोशिश, अकेले पीक कर रहे हैं कीबो, इन्फो है किसी की तरफ, शायद हमको कुछ हरकत होती हुई नजर आए, लेकिन डोर खोल के सीधा बी साइड भागते हुए नजर आएंगे रेवेनेंट के खिलाड़ी, और ये क्या पैराडॉक्स, टू मच अग्रेशन, सी लिंक पे पुश करना चाहते थे, इंस्टेंटली शट डाउन किए जाएंगे, एंड ग्रे फॉक्स ऑल ऑफ अ सडन बाउंस बैक, इंपॉर्टेंट फ्रैग्स निकाले यहां पे, सायो फाइंडिंग वन मोर, होक्स को एक और मिलेगा, वापस स्विच से सी जाना चाहते थे, बट नहीं, डिनाई की जाएगी एंट्री, और होगा रेवेनेंट का इस राउंड में एग्जिट, ग्रे फॉक्स की जो अल्टीमेट है वो हमको लगती हुई नजर आएगी, लेकिन डॉस नाइन, दिस इज वंडरफुल, लाइंस देम अप, दो फ्रैग्स मिलेंगे, होक्स और फॉक्स नाइन बाहर, और आई थिंक अब तो ये सी साइड कंट्रोल पूरा का पूरा रेवेनेंट के पास ही रहने वाला है, देयर इज नो वे, नो वन इज फाइटिंग दिस, आप घूम के नहीं आ सकते, बी साइड से मेन एंट्री रीटेक की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी ब्लॉकेट के नाम पे पैराडॉक्स बैठे, रॉसी फॉल्स, 1v2 स्किल्स और पैराडॉक्स वर्सेस कोहली, या ये जीतना बहुत मुश्किल होगा, द फर्स्ट स्विंग कम्स इन एंड कोहली गेट्स इट, पैराडॉक्स अकेले बचे हैं, ही हैज टू प्ले टाइम, स्विंग किया, सी इज हाफ डिफ्यूज हो चुका है, कोहली अब किसी तरह से कोशिश रहेगी, स्मोक आने में 3 सेकंड और बाकी, ट्री के पुश के लिए वो यूज नहीं हो पाया, बट इस टाइम पे बी की तरफ एक पुश आता हुआ एंड टोटली अंडरस्टैंडेबल है, बट अब पीजी यूटिलिटीज देखो वो भी पीपे लगी हुई है, पूरा स्टॉल करने के लिए एक प्लेयर ने डैश किया, लेकिन रॉसी बाकी प्लेयर को शट डाउन कर देंगे, क्या ही टाइमिंग मिली है उनको, एंड सायो क्योंकि शॉर्ट पे खेल रहे हैं ट्रेड ऑफ नहीं कर पाए, लो एचपी है 35 ओनली, टैग्ड अप ऑलरेडी है रॉसी, तो एक शॉर्ट का शॉट काम जरूर कर सकता है, लेकिन जंप इन करेंगे खुद ही स्मोक के अंदर एंड रॉसी गेट्स अप 4K हमने फ्रैग्स भी पिक करे थे, शायद ये पीछे रह के खेलेंगे, नहीं नहीं रेवेनेंट दे आर बैक
फॉर अ रीजन, दे आर बैक फॉर वेंजेंस। और राउंड होता हुआ खत्म, आखिरी किल जो था रॉसी के हाथ पे जाएगा, लेकिन एल्बो पुश के बाद सायो के पास अच्छा कंट्रोल आएगा। इज एनीवन लुकिंग हियर? इवन दो दे वर, वो जो साइबर केट्स था उसने वो विजन डिनाई करी, अल्टीमेट के साथ फ्लश किया एल्बो को, लेकिन अभी भी दोनों अटैकर सर्वाइव कर रहे हैं। और सायो का ये डीप पुश ये काफी कुछ बदल सकता है, बट दे आर अवेयर अबाउट दिस एंड दे चेक दिस स्किल्स। एक फ्रैग मिला, सायो फाइंड्स वन, लेकिन उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज थी। और रेवेनेंट डबल डिजिट्स आ चुके हैं इनके पास। एग्जीक्यूट शुरू हुआ है, बहुत क्लोज पहुंच गए प्लेयर्स, दिस इज वेस्टिंग द शाइन। और एक्सकाली वो पहला फ्रैग मिला, डिसरप्ट सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट सिर्फ एक ही मिला है। आर्यू ने फाइनली ट्रेड निकाला है, हंटर्स फ्यूरी, कैन इट फाइंड समथिंग, डस नॉट मैटर। ये तो आर्यू की भगवान गन चल गई, रियोड इन विद दैट 3k ट्रू रिपर्स राउंड नंबर 5। बुलडॉग में देखना चाहता हूं कि टेक्नो को स्वैप कर दी जाए, क्योंकि डेथमेकर सिर्फ 16 HP है, पर कोई प्लेयर है नहीं आसपास, इसलिए वो चीज कर नहीं सकते। क्रॉस फायर बना रखा है ट्री में ताकि वो पूरा पुश रोक दे। एक प्लेयर को ट्रेड ऑफ करने की कोशिश, डेथमेकर स्टिल विल दैट यू आउट एंड गार्डियन उठा लिया। अब नाउ इट सीम्स इवन मोर डिफिकल्ट, हेल में फाइट लेनी जरूरी थी एंड उसमें टेक्नो को पिक ऑफ कर लिया। इंपॉर्टेंट फ्रैग, बट डेथमेकर फाइंड्स द थर्ड वन इन द राउंड, चौथे और पांचवें प्लेयर को आर यू निकालेंगे, कभी चेक होगा क्या सर इसको, बट इट्स स्टिल 1-for-1, दैट्स गुड। डेडली फाइट दैट फ्रैग ऑन डिसरप्ट, और अब किसी ना किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा। कैन इट बी डेथमेकर, दिस बैक फ्रॉम टेक्नो इट इज, एंड देन डेथमेकर पुशेस थ्रू एज वेल। 10 सेकंड्स लेफ्ट, कीबो प्लांट तो मिलेगा, लेकिन अब ये एक बनाम दो को पीस आउट करना है आपको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बिकॉज़ कई सारे एंगल चेक करने हैं, बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। डेथमेकर टेक्नो के साथ नॉइज नहीं दे रहे हैं, स्लो वॉक अप हो चुका है ऑलरेडी, एंड पता चल गया इस टाइम पे दोनों प्लेयर साथ में। All they need to do is just double PK and finish him off. Kibo clutch nahi kar payenge bilkul bhi. Deathmaker closes things out. Agar 8-4 bhi attacking pe end karte is point pe, to I could say ek fighting chance rahega unke paas. Otherwise to pistol secure karna hi karna pad jayega. Slow walk up, judge hai haath mein RU ke. Peek aaya to welcome back ho sakte hai. Flash ka istemal nahi kiya RU. Judge leke swagat karte hai and dusri side Deathmaker perfect time peek karenge. Ek pick mil gaya dude. What is that spray transfer?